साउथ इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आई है। केजीएफ फेम एक्टर कृष्णा जी राव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीते कई दिनों से एक्टर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे, लेकिन बीते दिन यानी बुधवार को उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया। बेंगलुरु के अस्पताल में कृष्णा जी राव ने अपनी आखिरी सांसें ली। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि राव को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कृष्णा जी राव का यूं चले जाना साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के बीच शोक की लहर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। कृष्णा जी राव पिछले कई सालों से लगातार अपनी अदाकारी से अपने चाहने वालों को एंटरटेन कर रहे थे। 70 साल के कृष्णा जी राव ने केजीएफ में अहम किरदार निभाकर सभी का दिल जीत दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के बाद वो बैक टू बैक करीब 30 फिल्मों में नजर आए थे। केजीएफ के बाद ही एक्टर कृष्णा जी राव को काफी पहचान और लोकप्रियता मिली थी। कृष्णा जी ने कई सालों तक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। कृष्णा जी राव के किरदार की बात करें तो उनके सीन के बाद ही यश की कहानी में नया मोड़ आता है। फिल्म में वो अंधे बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाए रहे थे। फिल्म में राव की भूमिका को केजीएफ ग्रैंडफादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म में उनके डायलॉग बेहद मजेदार थे। उनके कुछ डायलॉग काफी मशहूर भी हुए थे। कहा जा रहा है कि कृष्णा जी राव की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ने लगी थी, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में भी भर्ती किया गया था। कहा जा रहा है कि कृष्णा जी राव को उम्र से संबंधित कई परेशानियां थी। बता दें कि साल 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी। कृष्णा जी राव ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि आखिर उन्हें प्रशांत नील की केजीएफ कैसे मिली। राव ने कहा था कि एक दिन उन्हें ऑडिशन के लिए कॉल आया था और उन्होंने अपने ऑडिशन में सभी को खुश कर दिया था। मेकर्स ने उनके काम को देखते हुए उन्हें साइन कर लिया था। हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म नैनो नारायणप्पा का ट्रेलर भी यूट्यूब पर लॉन्च किया गया था और उन्हें रावण की तरह 10 सिर वाले एक चरित्र के रूप में दिखाया गया था। बेशक कृष्णा जी राव अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके किरदार हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।